और 2 दिन बाद पठान का टीजर आ रहा है, आप कितना एक्साइटेड है? जी काफी एक्साइटेड है सर, मतलब अलग ही लेवल पे क्रेज जा चुका है पठान का। फाइनली 2 नवंबर को शाहरुख भाई के बर्थडे पे देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। देखिए वैसे यशराज की तरफ से लॉन्च किया जाना है टीजर फिल्म का, ऊपर से देखिए वो शाहरुख खान की DDLJ को भी फिर से रिलीज किया जा रहा है उसी दिन, तो एक अच्छा सरप्राइज है भैया फैंस के लिए कि DDLJ भी देखो और DDLJ के साथ आपको पठान का टीजर भी बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, तो मजा आ जाएगा। देखिए 2 तारीख को टीजर लॉन्च है, वैसे काफी समय से सब वेट कर रहे हैं कि भैया टीजर अब दे दो, फाइनली अब आ रहा है। हालांकि अभी भी कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, यशराज पे भरोसा नहीं रहा लोगों को कि भैया वो देगा कि नहीं देगा, लोग अभी भी डाउट में कि भैया देगा कि नहीं 2 तारीख को, तो भी लेकिन 2 तारीख का तो देखिए कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि 2 तारीख को हमें टीजर देखने को मिलेगा, शानदार एक्शन वगैरह भी देखने को मिलने वाला है, कुछ हिंट भी देखने को मिल सकता है फिल्म की कहानी को लेकर कि किस तरीके से वो पठान की कहानी रहने वाली है, आखिर पठान क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत हिंट दे दे टीज़र में। लेकिन ट्रेलर के लिए तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा हमें, मुझे नहीं लगता कि ट्रेलर को इतनी जल्दी वो लोग देंगे, 25 जनवरी को फिल्म आनी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिसंबर के एंड में ट्रेलर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल टीज़र से ऑडियंस काम चला लेगी और टीज़र देखिए रिकॉर्ड बना देगा। आपको याद होगा 0 आई थी जो शाहरुख खान की, उसके टीज़र ने भी क्या रिकॉर्ड्स बनाए थे और 100 मिलियन करने वाला, मतलब फास्टेस्ट 100 मिलियन का रिकॉर्ड बना दिया था उसके ट्रेलर टीज़र ने, तो आप सोचिए पठान की तो फिर उससे भी कई गुना ज़्यादा हाई पे पठान क्या करेगी। और ये जो भी आदि पुरुष वगैरह के टीज़र ने जो रिकॉर्ड बना, आदि पुरुष का तो देखिए टीज़र के जो व्यूज़ और उसके रिकॉर्ड्स वो सारी लैंग्वेजेस के मिला के, यहाँ ये अकेला हिंदी में ही फाड़ देगा भैया सारे टीज़र के जितने भी जो रिकॉर्ड है, तो ओवरऑल मज़ा आएगा 2 नवंबर को।